नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। और यूएन से मोदी का योग मंत्र यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा है और ये यात्रा कई मायने में बेहद खास है। और इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ होने वाले 6 प्रमुख डील को लेकर भी चर्चाओं में है, जिससे दोनों ही देशों के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। और इनमें से ड्रोन्स, स्ट्राइकर, आर्म्ड व्हीकल और जेट इंजन डील भी शामिल है। पीएम मोदी 21 तारीख को यानी कि आज भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे वाशिंगटन पहुंचे और अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिका के शीर्ष सीईओ से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का अमेरिका में काफी व्यस्त कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भाग ले रहे हैं और भाग लेने का समय भी निर्धारित था। और पीएम मोदी न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पहली महिला जिल बाइडेन की तरफ से आयोजित भोज में भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, इसमें शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें इसको लेकर यूएन की ये सीधी तस्वीरें, यूएन मुख्यालय के लॉन में तैयारियां तेज और करीब समय भी निर्धारित था। अब 5:40 हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। योगा अभ्यास करते हुए आप लोगों को खासतौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि यूएन मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं और एक संदेश योग के प्रति। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ योग को लेकर संदेश दिया है वो आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय बॉस का डंका और योग को लेकर एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएन मुख्यालय की तस्वीरें, साथ ही सनातन सभ्यता से रोग मुक्त होगी ये दुनिया और योग को लेकर ये संदेश देने की एक कोशिश की है। एंड एवरी वन ऑफ यू जॉइनिंग इन पर्सन बट आल्सो टू दोस हु आर वाचिंग। यूएन मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। This is a very special yoga event. तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग को लेकर संदेश भी दिया। वासुदेव कुटुंबकम का परिचायक ऐसे बताया गया
यूएन मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा पर कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का And it loosely translates to the concept that the whole world is one family. Yoga's popularity has exploded to every corner of the globe, and it only continues to grow. तो पीएम मोदी का योग मंत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथ ही ऋषि मुनियों ने कहा है कि युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो संसार को परिवार में समाहित करता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग मंत्र योग दिवस में कार्यक्रमों को ओशन टिंग ऑफ योगा ने और विशेष माना है। इसका विचार, योग के विचार समुद्र के विस्तार के पारंपरिक संबंध पर आधारित है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार योग के विस्तार का अर्थ बताया है। साथ ही दुनिया में करोड़ों लोगों का योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर योग, तो अंतरदृष्टि को योग हमारी अंतरदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें चेतना से जोड़ता है, इसीलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर्विधियों विरोधों को खत्म करना है। मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा पर कार्यक्रमों में कई कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे, भाग ले रहे हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का न्यूयॉर्क में जोरदार स्वागत भी किया। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार करीब 5:30 बजे, हालांकि 5:46 हो चुका है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो भारतीय परिधान में योग कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय मैरे मेलबर्न भी पहुंचेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय गायिका मैरे मेलबर्न भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। साथ ही 180 देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रिचर्ड अगेरे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचेंगे। यहाँ उन्होंने योग के महत्व और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी हिस्सेदारी भारतीय वेशभूषा में एक मैसेज भी एक संदेश देने की कोशिश। I guess the answer is North Lawn in this first row. Some of them are here already. And these youngsters are Kahari Carolus, Grace Fukrata, Wyatt Santiago. UN मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें और इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और 180 देशों के प्रतिनिधि भी इस योग कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और यूएन के मुख्यालय की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अमेरिका दौरे पर हैं, यूएन मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखाई और इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। करीब 180 देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो गुरुग्राम में योग दिवस में हिस्सा लेने तो ये तस्वीरें बेहद खास होने वाली हैं, क्योंकि ये योग मंत्र के जरिए जो एक मैसेज और कई इसके महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग मंत्र शब्दावली में किया है, जो GFX के जरिए बताने की कोशिश भी की। और अब से कुछ ही देर बाद यूएन मुख्यालय की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा प्रतिनिधित्व करेंगे। 180 देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह अमेरिका दौरा बेहद अहम, भारत और अमेरिका के संबंधों को, बेहतर संबंधों को दर्शाने का एक संदेश भी देता है। और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग के प्रति एक लगाव और विश्व स्तर पर किस तरीके से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सही रखने के लिए कितना कारगर है, इन तमाम अहम बातों को ये दर्शाता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यूएन मुख्यालय की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त, तो योगाभ्यास करने के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज में आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हुए हैं, नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यूएन मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त के न्यूज आपको दिखा रहा है। और प्रतिनिधि जो 180 देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और एक संदेश योग के प्रति, पूरी एक वेशभूषा जो इस वक्त नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख पा रहे हैं, योग के ड्रेस में ड्रेसअप होकर वो इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं की प्रतिमा की मौजूदगी वहां पर दिखाई पड़ रही है और वहां पर के साथ ही इस पुष्पांजलि उन्होंने तरीके से की उस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चाएं और साथ ही किस तरीके से एक महत्व मिलता नजर आ रहा है, ये तस्वीरें और उनकी प्रतिमा की एक संदेश, पुष्पांजलि देना कार्यांजलि से पहले पुष्पांजलि, ये भी दिखाता है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता का भारतीय आता रहा है। और ऐसे किसी बड़े मौके पर प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं भूले हैं। इस बड़े इवेंट के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री का स्वागत, यूएन मुख्यालय की तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, भारतीय कल्चर का परिचय देते हुए ये कहा जाए और उसी तरीके से वो नजर आ रहे हैं उनके हाव भाव, इतनी बड़ी संख्या में तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर
योग के प्रति एक समर्पण और साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। They're wearing their yellow caps so that you may identify them easily. Thank you for continuing to stay in your spot. Be seated. We will start the program very shortly. And again, if you need any assistance whatsoever, we have our volunteers standing by to help. They're wearing their yellow caps. You can see many sculptures that we have. इस वक्त यूएन मुख्यालय में लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं. आप देख पा रहे हैं यूएन मुख्यालय की वो तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं. तस्वीरें आप देख पा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए और जो उनका परिधान है कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. पूरे जो गेटअप है योग करने के प्रति योगा के प्रति समर्पित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में योग करेंगे पीएम के साथ. 195 यानी कि 180 देशों के से ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं 195 देशों के प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे. यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वो भी योग करेंगे. तो अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी योग करते हुए वो तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे. फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं. 195 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं और योग करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं. तो ये प्रतिनिधि हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में पहली भारतीय लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं. क्या देश विदेश के जो प्रतिनिधि हैं यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा विश्व स्तर पर यह कहा जाए अब योग नजर आ रहा है और योग के प्रति एक लगाव नजर आ रहा है. तो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय बॉस का डंका ये कहा जाए तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं. इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हुए हैं यूएन मुख्यालय की ये तस्वीरें एक संदेश भी बयां करती हैं और योग के प्रति एक समर्पण भी दिखाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये कार्यक्रम बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है. 195 देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और इस वक्त आप अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं और इस वक्त मंचासीन वासुदेव कुटुंबकम और साथ ही This is the time that we've all been waiting for. Namaste. The time has come very warm for me to welcome to everyone. How much we're deeply International honored. Day of Yoga. We're so privileged to have with us today none other than the honorable Prime Minister of India that we've all been waiting for. The time has come for me to share a distinguished how world much leader we're deeply and honored. An art That it is Prime None Minister Modi Ji himself, Prime Minister in of India, December 2014, who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal. And adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity
to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. And it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity, yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time.